इंदौर से 16 किलोमीटर दूर लसुदिया पदमर गांव के पेट्रोल पंप पे 6:04 पे यहां पे पहुंचा था मैं। 6:30 पे यहां से निकल रहा हूं, 174 किलोमीटर 2 घंटे 41 मिनट में तय करूंगा नॉन स्टॉप। यहाँ से राइट मारेंगे, ये देवास का बाईपास है। कैश चाहिए क्या? क्या कैश निकालो, फास्टैग का बोर्ड क्यों लगाया फिर इसमें? ये लो, अरे तुम बात कर लो पहले, दे तो रहा हूँ, तुमको टाइम ही नहीं है। पेट्रोल पंप अभी जन्म लिया है इसलिए बच्चा है, 10 रुपये ले रहा है। ये 13वां टूलना का हो गया, हालांकि भोपाल तक 13 होते हैं। पिछले टाइम टोटल मुंबई से भोपाल तक 13 टूलना का थे, ये 1/4 पैदा हो गया।
जवाब नहीं था एक टाइम पे जब पहली बार आए थे, और अब क्या हो गया? भाग रही थी, उसी का पीछा करके उसी के नक्शे कदम पे चल रहे थे। वो यहाँ का लोकल था, उसको मालूम था कहाँ पे खट्टे हैं। अंधेरे में हमको दिख नहीं रहा था कुछ, वो चला जा रहा था बड़ी तेजी, और हमारा अचानक खट्टा आ जाता था, बड़बड़ा जाती थी गाड़ी, क्योंकि रात के टाइम कहाँ देख पाएगा। देवास का बाईपास छोड़कर ब्रिज के नीचे से जब राइट टर्न मारा हूँ तो ये सीधी रोड चली गई है भोपाल के लिए। और पिछले बार इस रोड की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन इस टाइम रोड को बहुत ही अच्छी हालत में बना दिया है। पहले की जैसी बना दिया है, देखो कुछ आवाज़ नहीं आ रही। अब ऐसे वीडियो डाल के मैं बोलूँ, देखो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है, बाहर की आवाज़ें नहीं आती है। पास टियागो थी, वो वीडियो डालता है, बता रहा था देखो आवाज़ तो नहीं आ रही, पता नहीं तो कैसे कहते हैं आवाज़ आती है। मैंने वो कमेंट किया था वहाँ पे कि जब रोड मलाई जैसी हो तो आवाज़ नहीं आती है, और जब रोड कंक्रीट की हो या खड्डे उड्डे हो तो टायर की आवाज़ अंदर आती है बहुत ज़्यादा। इस वक्त 100 की स्पीड पर गाड़ी है, और रोड इतनी अच्छी मलाईदार नहीं है कि आवाज़ टायर के अंदर ना आए, इसलिए आवाज़ आ रही है। 60 की स्पीड पे अच्छी रोड हो तो अंदर आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, चाहे टिगोर हो या टियागो हो। अगर 100 की स्पीड पे चल रही है तो थोड़ी आवाज़ तो अंदर आएगी, और अगर रोड कंक्रीट की है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है।
14 टोल नाका हो गए हैं, अभी शायद एक और बाकी है, यानी दो नए पैदा हुए हैं। इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि उल्टी लाइन पे चल रहे हैं, यानी नो एंट्री पे, वो भी हाई बीम पे। अब रात हो चुकी है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डिटेल से दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी वीडियो स्किप करना पड़ेगा वरना कोई देखेगा ही नहीं। देखेगा इसलिए नहीं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक तो मैं डिटेल से आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन अगली वीडियो जो आखिरी वीडियो होगी भोपाल तक, यानी आज के दिन की आखिरी वीडियो, उसमें स्किप करके मैं हाईलाइट दिखा देता हूँ सिर्फ। एक तो चांदनी रात नहीं है, चांद निकलेगा रात को 3 बजे, बारिश ही सही, लेकिन अगर चांदनी रात होती तो कुछ तो सहारा मिलता।
इसकी अगली वीडियो बहुत खास होने वाली है, वो जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत।